हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो टॉप क्वालिटी की डॉग ब्रीड के बारे में जो कि बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, जो है अमेरिकन बुली एंड गोल्डन रिट्रीवर। और गाइस, ये दोनों ही ब्रीड ऐसी हैं जो कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए भी परफेक्ट है। तो गाइस, पहले बात करते हैं इन गोल्डन रिट्रीवर पपीज के बारे में। और अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और साथ में आप लोग इनकी मदर को भी देख सकते हैं। और इन ओनर के डॉग्स की तो मैं हमेशा गारंटी लेता हूँ कि इनके पपीज में आप लोगों को एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आएगी। तो गाइस, गोल्डन रिट्रीवर एक बहुत ही प्यारी डॉग ब्रीड है, और साथ में अगर ऐसी क्वालिटी हो तो भाई बात ही अलग है। गोल्डन रिट्रीवर एक वन ऑफ दी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक है जो बहुत ही जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, बिकॉज ये हमेशा एक्साइटेड रहते हैं किसी नई चीज को सीखने के लिए। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग इन पपीज के पोज, बोन साइज एंड हेल्थ भी देख सकते हैं जो कि काफी हैवी है। और इन डॉग्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते। चाहे आप लोग इन्हें छोटे बच्चों के साथ रखो या फिर अपनी बड़ी फैमिली में, ये सभी के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। वैसे गाइस, एक बार मैं आप लोगों को इनके फादर की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इन पपीज के फादर हैं जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी में है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को पपीज किसी और लीटर के दिखा दिए और मदर फादर कोई और, ओनर एकदम जेन्युइन है। बट फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है तो पहले आप लोग उसे जरूर क्लियर कर ले ओनर से कॉन्टेक्ट करके। नंबर आप लोगों को उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को इन पपीज का प्राइस बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अमेरिकन बुली के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये रिट्रीवर पपीज आप लोगों को दोनों ही कलर्स में मिल जाएंगे। ओनर के पास ब्लैक कलर भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही रेयर है। तो फ्रेंड्स, अगर इन रिट्रीवर पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 35 डेज के हो चुके हैं, और ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 32,000 रुपीज यानी 32,000 रुपए, एंड फीमेल की है 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए। बाकी प्राइस नेगोशिएबल है, आप लोग ओनर से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हमारी सेकंड डॉग ब्रीड के बारे में जो है अमेरिकन बुली, और ये पपीज एक्सल साइज में है। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग लार्ज साइज के एम बुली को रखना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और ये चीज आप लोग इनके मदर फादर की क्वालिटी को देखकर भी जज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये इन पपीज के फादर हैं जो कि मिस्टर हैमर एक्सल बॉय हैं, और इनकी जो मदर है वो है जेनी। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स तो सुपर्ब क्वालिटी में हैं, एंड आई एम श्योर पपीज की क्वालिटी भी ऐसी ही होने वाली है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक और बात बता दूं, ओनर के पास कुछ और अमेरिकन बुली पपीज भी अवेलेबल हैं जिनका प्राइस इनसे कम है। वो पपीज आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 40 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से, एंड डिलीवरी आप लोगों को पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग डायरेक्ट ओनर के पास विजिट करके भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सभी के माइंड में एक डर रहता है एडवांस पेमेंट करने का कि कहीं हमारी पेमेंट फंस ना जाए, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनर एकदम ट्रस्टेड है, आप लोग इन्हें एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। अगर बाय चांस आप लोग पपीज को परचेज भी नहीं करते तो आपकी पेमेंट आप लोगों को वापस हो जाएगी। और फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये पपीज आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 35,000 रुपीज 35,000 रुपए, एंड फीमेल की है 25,000 रुपीज यानी 25,000 रुपए, एंड प्राइस ये भी नेगोशिएबल है। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।